यहाँ बहुत जोरों की भूख लगना स्टार्ट हो गई है। नहीं मुझे तो नहीं लग रही क्योंकि मैं घर से खा कर आई थी बिरयानी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था। और अब मेरे सारे बाल खराब करे जा रहे हैं, सबका भी वही खींच रहेगा भी जैसे कि अंगूठी में फंस रहे हैं। ऐसी होता है, ऐसी होता है यार, वही बात है। तो अपना वो कैसे छोड़ा, और लोगों ने कैसे क्लच छोड़ा हुआ है, ब्राइडल क्लच उठा लिया भी हमारी से। हाँ हमने याद दिला दिया तो उठा लिया फौरन। ओह माय गॉड, धमाके हो रहे हैं यहाँ तो भाई। बंद हो गया टेबल, बंद हो गया जिस पर रसम हो रही थी वो टेबल ही बंद हो गया। वाह वाह वाह। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जी ये है मेहंदी व्लॉग और हम लोग जा रहे थे मेहंदी में। जो मैंने पहले व्लॉग अपलोड किया था वो था, वो भी माइयों ही व्लॉग था, लेकिन वो थी लड़की की माइयों, और अब हम जा रहे हैं लड़के की माइयों में मेहंदी में। तो ये बस रास्ते की ही वीडियो है जो मैंने शूट कर ली थी ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अच्छा जी, तो हम लोग पहुंच चुके थे मेहंदी में, मतलब लड़के वालों के घर पहुंच चुके थे हम लोग, और लड़के वालों ने घर में ही सेटअप किया था, मतलब उन्होंने बाहर वगैरह नहीं किया था, घर में ही बस उन्होंने छोटी सी रस्म रखी थी जिसमें हम लोग गए थे, और उनके अपने ही घर वाले थे, बस उन लोगों ने गेस्ट वगैरह नहीं बुलाए थे, तो बस उन लोग ही घर वाले थे और हम लोग चले गए थे। तो बस ये छोटी सी ही उन्होंने रस्म अरेंज की थी जो अपने घर में ही की थी, और घर अच्छा था उनका, प्यारा सा घर है। तो ये बस हम लोग आ गए थे, अब आप लोग व्लॉग एंजॉय करें। लेकिन व्लॉग बस ये छोटा सा ही मैं शूट कर सकी थी क्योंकि मेहंदी घर में थी, जो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो बस अब आप लोग व्लॉग देखें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा। तो ये था लड़के का सामान, आई मीन दूल्हे का सामान था ये सारा, मतलब उसकी शेरवानी कोट पैंट वगैरह जो भी सामान वगैरह होता है वो था ये सब, और इसको शायद बरी वगैरह कहते हैं, मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जी यहाँ रस्म वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी, दूल्हे की दुल्हन की अम्मी और अब्बू दूल्हे की रस्म करने के लिए बैठ चुके थे, रस्म स्टार्ट हो गई थी। तो भाई मुझे तो बहुत मज़ा आता है ये रस्म देखने में, फिर चाहे वो दुल्हन की रस्म हो या दूल्हे की, तो किस किस को मज़ा आता है और किसको ये रस्म अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे ये रस्में वगैरह अच्छी लगती हैं बहुत जो माइयों मेहंदी वगैरह में होती हैं। सही करना नहीं था, ये आगे करो। और निदा आपको कैसा फील हो रहा है मेहंदी में आकर? बहुत अच्छा, मैं माइयों में तो आई हूँ, ये अंकल आगे आ जा रहे पिक्चर्स लेने में बिजी हुए हैं ये अंकल, मुझे डर रही है मेरे ऊपर गिर गए तो मेरा क्या होगा। हाँ, और इनके हाथ में एक कैमरा भी है, ये पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं। ये हमने आप लोगों को दिखा दिया कि ये अंकल इस वजह से खड़े हुए हैं कि ये पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, और निदा को गुस्सा आ रहा है क्योंकि बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें बैठने नहीं दे रहे हैं।
ये देख सकते हैं, वैसे आप देख सकते हैं निदा कोई कितना डिस्टर्ब कर रहा है। तो बस जी, यहाँ खाना खुल चुका था और अब हम खाना खाने बैठ गए थे। तो ये छोटा सा ही ब्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि मेहंदी घर में ही थी, जिसकी वजह से ज़्यादा कुछ नहीं था शूट करने के लिए। तो बस अगर आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।